आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी के बीच में एक बेहतरीन लोकेशन पर लेकर आया हूँ आप सभी को। ये जगह आप सभी को काफ़ी पसंद आएगी। ये जगह है उत्तर प्रदेश की एक जाना माना जगह, मथुरा। मथुरा एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, जो कि बोले दोस्तों तो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। और दोस्तों, इस जगह पर आज के टाइम में ज़मीन की कीमत की बात की जाए तो इतनी महंगी, इतनी ज़्यादा महंगी है कि पूछो ही मत। आप सभी के बीच में एक मथुरा की लोकेशन लेकर आया हूँ जो कि हर किसी को पसंद आएगी, और जगह है वृंदावन की। वृंदावन में ध्यान रखें, ये ज़मीन गोकुल की है, ठीक है, पड़ जाता है वृंदावन में ही, लेकिन आपको गोकुल साइड में जाना पड़ता है, ठीक है, जो कि गोकुल का एरिया जो है आपके जन्मभूमि से 11 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये गोकुल में ही आ जाता है। नॉर्मली देखें तो एक बेहतरीन इलाका, एक बेहतरीन जगह जहाँ पर कृष्ण ने अपना सारी लीलाएं की हैं, और मुझे कहना नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, मुझे फख्र है कि मैं उन्हीं के वंश से हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। जो भी मेरे प्यारे भाई इस लोकेशन पर ज़मीन लेना चाहते हैं, आप सभी ले सकते हैं। और दोस्तों, ज़मीन की कीमत बेहद कम बताई गई है। ज़मीन की कीमत यहाँ पर 1,25,000 रुपया प्रति बीघा के हिसाब से आप सभी को प्रोवाइड होगी। इसका बुकिंग चार्ज आप सभी को वही पुराना 5,500 रुपया से है, आप सभी लोग बुक कर सकते हैं। तो प्यारा प्यारा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दें। ज़मीन लें या ना लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। कमेंट कुछ भी ना करें, आप एक बार जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना, मैं यही कहूँगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग मेरा वीडियो देखने के लिए आते हैं। और आप सभी के बीच में देखिए, मैं किसी को भी प्रेशर नहीं करता कि आप ज़मीन लें। किसी भी व्यक्ति को मैं अपने तरफ से नहीं बोलता हूँ कि आप ज़मीन लें या बुकिंग करें। आप आपको पसंद आती है तो आप बुक करें। अब बुक करने के बाद टाइम दें। अब बार बार फ़ोन करेंगे बुकिंग करने के बाद, लोग क्या करते हैं, दिन में 5 बार, दिन में 10 बार, तो ये बुरा लगता है दोस्तों, ध्यान रखें। बुकिंग कर लें, उसके बाद जब आपको फ़ोन जाता है तभी आप सभी लोग विजिटिंग पे आए, ध्यान रखें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप सभी लोग मेरे साथ मिले और मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। और आप सभी के लिए मैं हमेशा सक्षम रहता हूँ कि आप सभी को अच्छी से अच्छी ज़मीन दिखाते रहें। थैंक यू सो मच।